अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं स्लीप डेप्रिवेशन स्टडीज़ की। स्लीप डेप्रिवेशन स्टडीज़ जो है वो क्या कहती हैं? व्हेन वी फोर्स टू मिस अ नाइट स्लीप वी बिकम वेरी स्लीपी। जब हम खुद ज़बरदस्ती अपने आप को सोने नहीं देते हैं रात को, तो फिर हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। द फैक्ट दैट स्लीपीनेस इज सो मोटिवेटिंग सजेस्ट दैट स्लीप इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि स्लीप के लिए हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है। क्यों? क्योंकि हमें एक इनर सेटिस्फेक्शन देती है, हमारी थकावट उतर जाती है, ठीक है, हमारी सारी फटीक सारी टायर्डनेस इससे खत्म हो जाती है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं सोने के बाद। तो ये हमारे ये बहुत ज्यादा एक मोटिवेटिंग थिंग है, ठीक है। किस तरह से मोटिवेशन दे रही है? इंट्रिंसिकली, कि हम इंट्रिंसिकली अच्छा फील कर रहे हैं आफ्टर द स्लीप। तो इसलिए हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। इट शुड बी पॉसिबल टू डिप्राइव पीपल ऑफ स्लीप एंड वी सी व्हाट फंक्शंस आर डिस्टर्बड। ये भी हो सकता है कि अगर हम लोगों को स्लीप से रोकें, ठीक है, उनकी स्लीप डेप्रिवेशन उनमें करें कि वो नींद उनको ना लेने दे, तो फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से इशूज जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। और हम देखेंगे बहुत सारे इशूज जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। वी शुड देन बी एबल टू इन्फर द रोल ऑफ स्लीप पे, फिर हमें पता चलेगा कि स्लीप जो है वो हमारी लाइफ में बहुत सारा रोल प्ले कर रही है जब हम खुद को सोने ही नहीं देंगे। रिजल्ट्स ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन स्टडीज सजेस्ट दैट रेस्टोरेटिव इफेक्ट स्लीप आर मोर इंपॉर्टेंट देन द ब्रेन फॉर द ब्रेन देन जस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि स्टडीज़ ने ये शो किया, स्लीप डेप्रिवेशन स्टडीज़ ने, कि स्लीप का हमारे ब्रेन पर ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ब्रेन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्लीप जो है वो दिमाग के लिए ज़्यादा अहम है। स्लीप डेप्रिवेशन स्टडीज विद ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैव प्रोवाइड लिटिल एविडेंस एंड स्लीप इज नीडेड टू कीप द बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल। वो कह रहे हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन जब उन्होंने ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ स्टडीज़ की तो उसके लिए उनको कम एविडेंस मिला, ठीक है, लेकिन क्या है, स्लीप हमारी बॉडी फंक्शनिंग को नॉर्मल करने के लिए अहम है। स्टिल उनको एविडेंस कम मिला, लेकिन बट स्टिल इट प्रूव दैट कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपको स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हॉर्न ने क्या किया, उन्होंने 50 एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्होंने लोगों को डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, कि उनको उन्होंने सोने नहीं दिया, उनको नींद की कमी उनके अंदर की, ठीक है, जिससे उनको ये पता चला कि स्लीप डेप्रिवेशन डिड नॉट इंटरफेयर विद पर्सन्स अबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्सरसाइज। स्लीप डेप्रिवेशन उनकी अबिलिटी टू फिजिकल एक्सरसाइज को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, जब उनके अंदर नींद की कमी थी स्टिल वो फिजिकल एक्सरसाइज आराम से परफॉर्म कर पा रहे थे, ठीक है, जो फिजिकली वो काम कर रहे थे वो कर पा रहे थे, जब इवन के वो रात को नहीं भी सोए थे, ठीक है। इन एडिशन द स्टडीज हैव फाउंड नो एविडेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू स्लीप डेप्रिवेशन। और ये भी नहीं स्टडी ने बताया कि आपकी बॉडी, आप स्ट्रेस फील करेंगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेस होगा, ठीक है, अगर आप स्लीप डेप्रिवेशन, मतलब आपको होगी अगर आप सोए नहीं है तो उससे आपको कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस या आपकी फिजिकल एक्सरसाइज में कोई इश्यू आएगा, ऐसी कोई स्टडीज नहीं प्रूव कर रही है, ठीक है। प्राइमरी रोल ऑफ स्लीप जो है वो क्या है, आप फिर ये देखने में आ रहा है कि उसका मकसद जो है वो रेस्ट नहीं है, ठीक है ना, वो बॉडी को जो है वो सारी उसकी एनर्जी को रिप्रिपेयर कर रही है उसको। असल में उसका जो अफेक्ट है स्लीप का वो कहाँ है, कॉग्निटिव अबिलिटीज़ पर है, ठीक है, हमारी मेन जो है वो कॉग्निटिव अबिलिटीज़ अफेक्ट हो रही होती हैं अगर हम स्लीप नहीं लेते हैं। सम पीपल रिपोर्टेड परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस ऑफ और इवन हेलुसिनेशंस एंड हैड ट्रबल कंसंट्रेटिंग ऑन मेंटल टास्क, ठीक है, जब उन्होंने स्लीप डिप्रिवेशन करवाई तो ना फिजिकल एक्टिविटी में इशू आया, ना फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में इशू आया, इशूज़ कहाँ आए, कॉग्निटिव अबिलिटीज़ में इशू आए। लोगों को उन्होंने कहा कि वो ठीक से चीज़ों को परसीव नहीं कर पा रहे, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस आ रही है, चीज़ों को सही से परसीव नहीं कर पा रहे, हेलुसिनेशंस हो रही है, उन्हें खुद बहुत फेक जो है वो साउंड्स वगैरह दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही हैं, चीज़ें दिखाई दे रही हैं और वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ अफेक्ट हुआ, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर अफेक्ट हुआ, परसेप्शंस पर अफेक्ट हुआ और कंसंट्रेशंस वगैरह पर अफेक्ट हुआ, ठीक हो गया। स्लीप प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रेन टू रेस्ट। अब यहाँ से ये पता चला कि स्लीप जो है वो बॉडी को रेस्ट नहीं दे रही होती, एक्चुअली ब्रेन को रेस्ट दे रही होती है। स्लो वेव स्लीप में क्या होता है कि हमारे सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्लाइन। स्लो वेव स्लीप में जब आप आहिस्ता आहिस्ता डीप स्लीप में जा रहे होते हैं तो हमारे पास स्लो वेव स्लीप होता है, तो वहाँ पर आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट और आपका सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है, फॉलिंग टू अबाउट 75% ऑफ द वेकिंग लेवल ड्यूरिंग स्टेज फोर स्लीप। वो कह रहे हैं कि आपका जो वेकिंग टाइम में जितना आपका एक्टिव होता है ये सारा ब्लड फ्लो, उससे 75% कम हो जाता है, ठीक है, स्टेज फोर स्लीप में। इन पर्टिकुलर द रीजन्स दैट हैव द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग वेकिंग शो द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स का क्या मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पर डेल्टा वेव्स ज़्यादा शो होंगी, जिस ब्रेन के पार्ट में, जिस बॉडी के पार्ट में, मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा डीप स्लीप, ज़्यादा उसमें आप वो ज़्यादा एरिया वो वाला जो है वो डीप स्लीप में जा रहा है, गहरी नींद में जा रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो एरियाज जो दिन में ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है, जिन्होंने ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म की, जब रात का टाइम आएगा, जब सोने का टाइम आएगा, तो वो एरिया सबसे ज़्यादा डेल्टा वेव शो करेंगे, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब उनमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, डीप स्लीप हो रही होगी, ठीक है, कि उनकी लेवल्स ऑफ एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम हो जाएंगी। डेल्टा एक्टिविटीज़ का मतलब है कि वो डीप स्लीप में जा रहे होंगे, वो वाले एरियाज जो दिन में ज़्यादा एक्टिव रहे वो रात में ज़्यादा डेल्टा एक्टिविटीज़ को शो करेंगे, मतलब उनकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ डेल्टा एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर रीजन अपीयर्स टू इंडिकेट दैट द
रीजन इज रेस्टिंग, जितनी ज़्यादा डेल्टा एक्टिविटीज़ किसी ब्रेन पार्ट में मौजूद है मतलब वो वाला एरिया ज़्यादा रेस्ट कर रहा है। एज वी नो फ्रॉम बिहेवियर ऑब्जर्वेशन पीपल आर अनरिएक्टिव टू ऑल बट इंटेंस स्टिमुलाई ड्यूरिंग स्लो वेव स्लीप। वो कह रहे हैं कि जब आप स्लो वेव स्लीप में होते हैं तो लोग जो है वो हर किस्म के स्टिमुलाई को रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बस कोई शदीद तरीन वाली होंगी तो फिर मतलब छोटी छोटी आवाज़ें हों तो हमें इतना फील नहीं होता नींद में, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आपको सुनाई दे तो आपकी आँख खुल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो इंटेंस स्टिमुलाई है उनको हम रिएक्ट करते हैं, हर स्टिमुलाई को हम रिएक्ट नहीं कर रहे होते ड्यूरिंग स्लो वेव स्लीप। और अगर हम उठ जाएँ स्लो वेव स्लीप में से तो हम क्या करते हैं, हम ग्रॉगी और कंफ्यूज्ड एक्ट करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं, हम थोड़ी देर लगती है हमें समझने में कि हम कहाँ सोए थे कहाँ उठे, ठीक है। तो हम कंफ्यूज एक्ट करते हैं, देयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैज़ बीन शट डाउन। अच्छा, वो इस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं जिस तरह उनका सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो एकदम से बंद हो गया था, ठीक है, और अभी उसको अपनी उस फंक्शनिंग को रिज्यूम करने में, वापस स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो गया। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट ड्यूरिंग स्टेज फोर स्लीप द ब्रेन इज रेस्टिंग इंडीड। मतलब इससे ये भी पता चला कि स्टेज फोर की स्लीप में भी ब्रेन जो है वो रेस्ट कर रहा था, क्योंकि ये सब स्लो वेव स्लीप में हो रहा है ना, स्टेज फोर और स्टेज थ्री हमारे पास होती है स्लो वेव स्लीप में। तो अगर वो कह रहे हैं कि इसमें इंसान की आँख खुली है तो उससे जो है वो ग्रॉगी और वो कन्फ्यूज चेक कर रहा है, तो मतलब वो क्या था, वो रेस्ट में था इसीलिए तो आप कन्फ्यूज एकदम से उठने से। तो यहाँ से ये भी पता चला कि स्लो वेव स्लीप में भी हम रेस्ट कर रहे होते हैं। इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अच्छा, हमारे पास एक डिसऑर्डर है फेटल फेमिलियल इंसोमनिया। ये क्या है, एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जनरेशन टू जनरेशन जा रहा होता है, जेनेटिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका थैलेमस, ठीक है, हमारे ब्रेन का पार्ट जो है थैलेमस, उसके पोर्शंस में अगर कोई डैमेज हुआ हो तो उससे जो इशू काज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फेटल फेमिलियल इंसोमनिया। इसमें क्या होता है, दिस डिसऑर्डर इंक्लूड डेफिसिट्स इन अटेंशन एंड मेमोरी फॉलोड बाय अ ड्रीम लाइक कंफ्यूज्ड स्टेट। इसमें जो है इंसान को इशू हो रहा होता है अटेंशन में और मेमोरी में, ठीक है, चीज़ों को सही से वो अटेंशन नहीं दे पा रहा होता, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा होता और चीज़ों को भूल रहा होता है, ठीक है। वो इस तरह से होता है जिस तरह के वो ड्रीम लाइक स्टेट में वो ख्वाब देख रहा है, वो कन्फ्यूज होता है, वो ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पा रहा होता, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को वो सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके ग्लैंड्स जो है वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते और इंसोमनिया, उसको नींद नहीं आ रही होती, ठीक है। ये सब सिम्टम्स किसके हैं, फेटल फेमिलियल इंसोमनिया के। फर्स्ट साइंस ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंसेज आर रिडक्शंस इन स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस। स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस हमारे स्टेजेस ऑफ स्लीप में रिलीज हो रहे होते हैं हमारे माइंड में, जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं स्लीप में, ठीक है। तो इनकी जो है वो स्लीप में क्यों इशू आ रहा है, इंसोमनिया क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके ब्रेन में स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो रिड्यूस होना, सॉरी, वो रिलीज होना कम कर देते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती जाती है तो ये टोटली डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि स्लो वेव स्लीप जो है वो कम होती जाती है, स्लीप स्पिंडल्स के कॉम्प्लेक्सेस सब कम होते जाते हैं, एंड ओनली द ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ रैम स्लीप। अब फिर इनको क्या होगा कि एकदम से थोड़ा थोड़ा बस ये गहरी वाली रैम स्लीप में चले जाएंगे, इनकी स्लो वेव स्लीप जो है वो खत्म होती जाएगी। पहले इंसान स्लो वेव स्लीप में जाता है फिर वो रैम स्लीप में जाता है, इन लोगों में क्या होगा कि स्लो वेव स्लीप जो है वो डिसअपियर होगी, डायरेक्ट रैम स्लीप में सही वाली नींद में एंटर हो जाएंगे और पैरालिसिस भी नहीं होगी, ठीक है। रैम स्लीप में हमने बात की, एक तो इसमें डिसिंक्रोनी होती है, एक इसमें पैरालिसिस होती है, और तीसरा इनमें रैपिड आई मूवमेंट होती है। तो इन लोगों में जब रैम स्लीप होगी तो उसमें पैरालिसिस नहीं हो रही होगी। और जैसे कि इसका नाम बता रहा है डिजीज इज फैटल, ये हमारे लिए खतरनाक डिजीज़ है, ठीक है, फैटल है। वेदर द इंसोमनिया कॉज बाय ब्रेन डैमेज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अदर सिम्टम्स एंड द पेशेंट्स डेथ इज नॉन। वो कह रहे हैं कि इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, ब्रेन डैमेज की वजह से हो रहा है। कौन सा ब्रेन पार्ट इसमें डैमेज हुआ था, थैलेमस, ठीक हो गया। ये थे हमारे पास स्लीप डेप्रिवेशन स्टडीज़ जिसमें हमने बात की फेटल फेमिलियल इंसोमनिया की। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।